नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के लम्हुआ कोतवाली के मदनपुर पनियार छंगे गांव में 6 साल के मासूम का शव घर के पीछे तालाब में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर में कुड़वार ब्लॉक के भगवानपुर गांव के उत्मानपुर मौजा में राम कृपाल यादव के घर में अचानक आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला 75,000 रुपया भी जलकर राख हो गया। अमेठी में 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। अमेठी के संग्रामपुर थाना के कटरा कसारा गांव की रहने वाली शिवकुमारी को पातीपुर पुल के पास से एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही शिवकुमारी की मौत हो गई। जौनपुर के थाना कोतवाली के रुहट्ठा हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। CCTV फुटेज के जरिए पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जौनपुर के थाना किराकत पुलिस ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त मैनुद्दीन को थाना गद्दीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर में पुलिस टीम ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, चेकबुक, एक क्रॉस चेक के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बहराइच के थाना नानपारा में 1 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 50 साल के आदमी ने बलात्कार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। बहराइच के रिसिया थाना पुलिस ने मिश्री लाल निषाद को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है। बहराइच कोतवाली नगर पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र सिटी मॉन्टेसी स्कूल घसियारी में फर्जी परीक्षा देते हुए अजय कुमार मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हमीरपुर में मऊधा कोतवाली पुलिस ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी युवक को 15 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दाएं पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक तमंचा और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। हमीरपुर के मऊधा कोतवाली इलाके के तहसील रोड पर एक अज्ञात ट्रक ने पुलिस परीक्षा का पेपर देकर लौट रहे भाई बहन को टक्कर मार दी। मौके पर बहन की दर्दनाक मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन के थाना कुटौन इलाके में पुलिस आरक्षी भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। बाकी घायल अभ्यर्थियों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन के कोच कोतवाली इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें सवार एक लोग की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मुरादाबाद के थाना मैनाटेर में हुई पूर्व प्रधान की हत्या में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी हेमंत कुमार और जगदीश सिंह को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद कर जेल रवाना किया है। मेरठ के थाना ब्रह्मणपुरी में विशन चौक इलाके में कॉलेज फंक्शन पार्टी के दौरान हुई कहासुनी को लेकर युवकों ने सुमित भारती नाम के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूले। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।